अगर आप बनारस से हो, वाराणसी से हो, तो ये जैकेट आपको स्टोर पे आके अगर लेते हो तो कुछ अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अपना सावन के ऊपर, तो आपको इस जैकेट पे भी काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अगर बाहर से हो तो कॉन्टेक्ट करो, नंबर आपका नीचे मिलेगा वीएमसी अड्डा का, उस पर, क्योंकि ऑफर है अभी काफी अच्छा और शिपमेंट है पूरी की पूरी फ्री। चाहे आप हेलमेट लो, चाहे जैकेट लो, चाहे कुछ भी लो, उसमें आपको मिल जाएगा फ्री फ्री फ्री। इस बार तो एक बार इसके प्रोडक्शन लेवल देख सकते हैं, इसका जो मटेरियल है कितना सॉफ्ट है, ये देखिए क्या सॉफ्टनेस है इसकी, और ये जो वाई लग रहा है ना क्या मस्त, इधर से भी वाई इधर से भी वाई। तो आज बात करेंगे राइनोक्स की इस जैकेट की, वीडियो में कैसी है ये जैकेट या कैसी है ये जैकेट, तो अपन इसका रिव्यू करेंगे आज। तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वीएमसी अड्डा में। तो चलिए आज बात करते हैं एक और जैकेट की, क्योंकि अभी पिटारे में अपने काफी जैकेट्स हैं, तो चलिए इसको रिव्यू करते हैं आज किस जैकेट की बात होगी। वैसे ये अपनी फेवरेट जैकेट है, क्योंकि आप मेरी अगर राइड या इंस्टाग्राम देखे होंगे तो इसमें की जैकेट मैं कई बार पहना हूँ, पहले करते हैं लेकिन प्लास्टिक को साइज, जो कि राइनोक्स की ब्रांडिंग के साथ ही आती है, आप ये देख पा रहे होंगे राइनोक्स की ब्रांडिंग है पैकेट पे, क्योंकि अब जो जैकेट्स के बैग आते थे वो आने बंद हो गए, उसके लिए अलग से आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है 500, तब आपको मिलेंगे इसके जैकेट के कवर, जिसको जैकेट का बैग भी आप बोल सकते हो। तो ये जैकेट मेरी फेवरेट जैकेट है, क्योंकि इसमें का दूसरा कलर मेरे पास है, तो आज बात करेंगे उसकी और इसकी। उसके पहले इसको करते हैं, टांगते हैं ना कि इधर, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है अपना एक्सपीरियंस और यहाँ पे होगा रिव्यू, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। तो एक बार इसको आप थोड़ा पास से देखो, तब तक हम थोड़ा सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे देखो राइनोक्स की ब्रांडिंग है सामने के साइड, और ये कुछ इस टाइप का जैकेट है। तो एक बार अपने पीछे का लुक कीजिए, तो इस साइड आपको मिलेगा अपना एक्सपीरियंस रिव्यू, इस साइड मिलेगा आपको। तो इधर बात होगी थोड़ी थोड़ी ओनरशिप की, और इधर बात होगी राइनोक्स के जो नया जैकेट है, तो हम साथ ही साथ कंपेयर करेंगे इन दोनों जैकेट के बारे में, कैसी कैसी है जैकेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसके साथ। तो एक बार आपको दिखा देते हैं जैकेट कैसी है। यहाँ पे आपको राइनोक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, साइड में भी आपको राइनोक्स का लोगो की ब्रांडिंग, प्लस स्लाइडर्स पे भी राइनोक्स के लोगो की ब्रांडिंग है। एक बार थोड़ा पास से आप देख लीजिए, तो स्लाइडर्स पे क्या मस्त लोगों की ब्रांडिंग की गई है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आपको मिलेगा, प्लस ये जो पाइपिंग आपको दिख रही है ये रात में ग्लो करती है, क्योंकि ये है हाइलाइटर, मतलब कि रेडियन, ये पाइप पूरी रेडियन है, और ये साथ में, और यहाँ पे आपको फोम दिख रहा होगा अलग से डिज़ाइन में, प्लस ये स्ट्रेचेबल है ये पार्ट पूरा, ये देखिए ये पूरा स्ट्रेचेबल पार्ट है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कार्बन फिनिश दिया गया डिज़ाइन ये, लेकिन कपड़े का मटेरियल है बहुत अच्छा है। प्लस आपको ये जो साथ में दिख रहा है ब्लैक ब्लैक पोर्शन, ये काफ़ी मजबूत पार्ट है। तो चलिए इस जैकेट की बात करते हैं कि क्या क्या इसमें पैडिंग है और कैसी ये जैकेट है। दिखने के लिए काफ़ी अच्छी है और इससे सेम है, तो बात करते हैं छोटे छोटे डिफरेंस की। उसके लिए हमें करना होगा आपको थोड़ा सा, तो थोड़ा लेके चलते हैं आपको इसके पास में, फिर आपको दिखाते हैं कैसी ये जैकेट और क्या क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें। तो पहला डिफरेंस आपको देखो देखने को मिलेगा, सबसे पहला डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है SBS की चेन है, प्लस राइनोक्स की ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से है। वहीं दूसरी जैकेट में चेन में आपको यहाँ पे देखो राइनोक्स की ब्रांडिंग लोगो यहाँ पे मिल जाएगा चेन पे, और इस पर कोई भी नाम मेंशन नहीं है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरी यहाँ पे आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं वेलप्रो है पूरा यहाँ पे और इस पर भी, और जो नई जैकेट है उसमें तो एडजस्टेबल दिया हुआ है, इसको आप फोर्थ लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखो ये 1, 2, 3, 4 चार लेवल पे ये एडजस्ट होता है, इसमें वेलप्रो हटा दिया गया है, ये काफ़ी इजी है इसको लगाना और निकालना, इसको वापस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, और ये इस तरीके से यहाँ पे लग जाता है, चुटपुटिया स्टाइल में है, और ये ऐसे निकल सकता है। अगर आपको लॉक नहीं लगाना है, ये कॉलर खोल के रखना है, तो यहाँ पर आप इसको फंसा भी सकते हैं इस तरीके से, ये अंदर जाएगा और फंस जाएगा, तो काफ़ी ईजी है। और बात करें अगर लोगो, देखो यहाँ पे ब्रांडिंग सेम है राइनोक्स की, यहाँ पे भी सेम है, प्लस बात करें अगर इसकी, ये हाईलाइट तो हो रहा है लेकिन ये रात के टाइम में कुछ ज़्यादा हाईलाइट होता है। और बात करते हैं अगर जिप की पॉकेट के चेन की, तो यहाँ पे आपको एक रिबन मिल जाएगा इस टाइप का, कि आप जैकेट और आराम से आप खींच सकते हो इसको ईजिली,
इसमें वो चीज़ आपको देखने को, इस जैकेट में आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिंपल सा है और इसमें जगह भी नहीं है वो रिबन डालने की, जो कि इसमें है। इसमें आपको देख रहे होंगे मिल रहा है आराम से रिबन डालने का। और इसमें जो चेन लगी है वो SBS की है। और दूसरा बात करें, सेम वैसे डिज़ाइनिंग ओवरलुक सेम है, इसमें भी रेड हाइलाइटर है, प्लस यहाँ पे वो दिख रहा है हाइलाइटर्स, और ग्रे कलर का है क्योंकि ये वाइट और ग्रे है, ये है ब्राउन तो इसमें ब्लैक आएगा, अगर ये वाइट होती तो इसमें भी आता। और यहाँ पे भी सेम आपको मिल रहा है रेड से हाईलाइट, साइड में भी आपको देखने को मिलेगा इस टाइप से, और इस जैकेट में भी साइड में आपको इस टाइप से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जैकेट का नाम मेंशन है, ये देखिए स्ट्रॉम ईवो, तो क्या सही लग रहा है ना, एक बार पूरा लुक देखिए इसका प्लस इसका। और इसके जो दूसरा राइट हैंड है उसमें भी आपको लोगो कहीं मेंशन नहीं है, ना ही स्लाइडर्स पे, स्लाइडर पे देखो नाम मेंशन है, लेकिन जो नई जैकेट है उसमें यहाँ पे आपको साथ में लोगो भी मिलेगा, प्लस स्लाइडर पे भी लोगो ही आएंगे, तो ये काफ़ी थोड़ा अलग है। प्लस ये जो पुरानी जैकेट आती थी इसमें भी ये फोम है मटेरियल पूरा यहाँ पे, और ये देखो ये कुछ इस तरीके से है बिना लोगो के साथ। और जो नया आया है यहाँ पे आपको फोम मिलेगा इसमें भी, और ये जो इसके स्लाइडर्स हैं ये थोड़े सॉफ्ट हुए हैं, और इस पर भी आपको राइनोक्स के लोगो मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं एक बार इन दोनों जैकेट्स की कि क्या क्या कंपेयर है। लेकिन उसके पहले आप देखिए इसके सिनेमैटिक इन दोनों जैकेट्स के, और लास्ट में जब सिनेमैटिक खत्म होने वाला होगा ना तो थोड़े से इस जैकेट के अपनी फोटोज मैं डाल देता हूँ कि मैं इस जैकेट के साथ किस किस बाइक से और कहाँ कहाँ राइड किया हूँ। नाम तो नहीं मेंशन करूंगा लेकिन आप खाली फोटोज देखिए, फिर मिलते हैं आपसे इन दोनों के रिव्यू के साथ। सिनेमैटिक अभी खत्म नहीं हुआ, सिनेमैटिक चालू रहेंगे थोड़े से वॉइस के साथ इस बार। तो एक बार इसके प्रोडक्शन लेवल देख सकते हैं, इसका जो मटेरियल है कितना सॉफ्ट है, ये देखिए क्या सॉफ्टनेस है इसकी। और ये जो वाई लग रहा है ना क्या मस्त, इधर से भी वाई इधर से भी वाई। तो इसमें एक फायदा है कि ये जो जैकेट है वैसे तो मेश है लेकिन पैडिंग से भी आपको थोड़ी बहुत एयर फ्लो मिलेगी, ये देख सकते हैं आप। तो बड़ी मस्त ये पैडिंग है, ये है नॉक्स की, इसकी सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे आप मेंशन है आप देख सकते हो। तो अब बात करते हैं ये है बैक की जैकेट है, इस पे जो प्रोटेक्शन है पीछे के साइड, ये है बैक की प्रोटेक्शन जो कि आपको यहाँ पे पीछे मेंशन है देख सकते हैं। एक बार जैकेट को मैं घुमा के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ये इस टाइप से रहती है पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पे, और सेफ्टी के लिए कि जितना भी इम्पैक्ट पड़ेगा कभी तो ये पूरा इम्पैक्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। साथ में ये जो डिजाइन है फोम की काफी अच्छी, वो सिनेमैटिक आप देख चुके हैं। तो एक बार वापस उसको फ्रंट करते हैं या बैक ही रहने देते हैं। बैक में एक आता है फिर एल्बो प्रोटेक्शन, ये एल्बो प्रोटेक्शन देखो इस तरीके से रहता है, देखने में काफी मोटा है लेकिन इजी टू यूज है, जैकेट के अंदर ये इतना पता नहीं चलता है। तो ये देख सकते हैं ये भी है लेवल 2 नॉक्स का, और ये पैडिंग होती है इस जगह पे,
यहाँ पे ये देख सकते हैं लगी रहती है, लेकिन जब आप मूवमेंट करते हो तो ये पता नहीं चलती क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट है इसके लिए। और बात करते हैं अगर शोल्डर की, तो ये है शोल्डर का। वैसे तो आप सिनेमैटिक सबके देख चुके हैं, ये शोल्डर देखो कुछ इस तरीके से रहते हैं, और यहाँ पे ये इसके अंदर है, मतलब ये इस तरीके से है, इसके ऊपर एक और प्रोटेक्शन, तो डबल लेयर की प्रोटेक्शन आपको इस जैकेट में देखने को मिल जाती है, इस स्टॉर्म इवो में। और सबसे अहम जो कि बहुत कम जैकेट में होता है, ये है चेस्ट प्रोटेक्टर, सेम वाई के साथ आपको देखने को मिलेगा। ये भी पूरा नॉक्स के यहाँ पे आपको देखो लिखा पढ़ा मिल जाएगा पूरा इस तरीके से, और ये होता है इस जगह पे चेस्ट पे, तो आपका चेस्ट पूरा कवर किया होता है। ये है इधर का, तो इस टाइप से देखो मैं एक बार खोल के चेक भी कर आपको दिखा भी देता हूँ, जिसके पाउचेस हैं देखो इस तरीके से हैं, और ये इस टाइप से ही लगा हुआ है यहाँ पे चेस्ट पे, तो ये ऐसे पूरा प्रोटेक्ट होता है, और इधर वाला जो होगा वो ऐसे होगा, तो ये आपको पूरा चेस्ट को प्रोटेक्ट किया रहता है। तो कैसी लगी आपको ये प्रोटेक्शन नॉक्स की, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वापस से एक बार। तो कैसा लगा सिनेमैटिक, आई होप सिनेमैटिक आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस जैकेट को एक बार पहनते हैं, फिर बात करते हैं कि जैकेट पहनने में वापस नई वाली कैसी लगती है और क्या क्या डिफरेंस है पहनने में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो एक बार इस जैकेट को पहले पहनते हैं। और मेरे रिव्यू में ना बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होता है, मैं पहले बता दूं, क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल तो आपको मिल जाएगी कंपनी की साइड पे, क्या मटेरियल है, कितना क्या क्या इसमें ऐड है, कितने ग्राम का जैकेट है, कैसी प्रोटेक्शन है। मैं अपना ओवरलुक देता हूँ सारी जैकेट पे कि मैं इतने टाइम से पहन रहा हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस और दिखने में कैसी लगती है जैकेट, मेन फोकस उसमें, और थोड़ी सी पैडिंग की डिटेल कि क्या है इसकी पैडिंग, और पैडिंग तो आप सिनेमैटिक में देख ही चुके हैं, इसकी पैडिंग का क्या डिज़ाइन है ना क्या मस्त, तो एक बार वो भी आपको मैं दिखाऊंगा लेकिन लास्ट में। तो पहले इस जैकेट को पहनते हैं, वेट नहीं करते हैं, क्योंकि अपनी तो ये फेवरेट जैकेट है, इसके लिए मैंने आज वीएमसी वाली टी शर्ट भी पहनी है। कैसी लगी अपनी लोगो वीएमसी का ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये जैकेट आपको इन दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा एक बार। तो एक बार थोड़ा पास से देखिए, तो एक बार देख लीजिए थोड़े आराम से इस जैकेट को कैसी लग रही है पहनने के ऊपर। मैंने जो पहनी है ये है एक्सेल साइज की, ये है एल, ये है एल, क्योंकि पहले मेरे साइज था एल के अंदर फिट होता था, अभी एक्सेल पे फिट हो रहा है, वापस अपन आ रहे हैं शेप में बहुत जल्द क्योंकि इस पे भी काम है चालू। तो अब बात करते हैं थोड़ी थोड़ी डिफरेंस की, उसके पहले इसमें कहाँ कहाँ वेलप्रो लगा है हाथ के साइड पर वो दिखा देते हैं। फर्स्ट वेलप्रो है यहाँ पे, ये अच्छा है कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइट ढीला कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखो देखने को मिलेगी एक जिप। तो अगर आप लॉन्ग लेदर के ग्लव्स पहनते हो ना, तो इस ये काफ़ी इजी है कि आप ग्लव्स पहनने के बाद चाहिए तो ऊपर से पहनो, फिर टाइट करो ग्लव्स को और चलाओ बाइक आराम से, या तो फिर आप कर सकते हैं और चाहिए तो अंदर भी पहन सकते हो। अंदर पहनने के लिए इसको और टाइट करना है, तो ये पहन के ग्लव्स आप ऊपर से पहन सकते हो, नहीं करना है इसको खोला, ग्लव्स अंदर किया, फिर जैकेट ऊपर, जैकेट टाइट, और ये अपने अकॉर्डिंग टाइट कर सकते हैं। और वेलप्रो की बात करें तो ये है फर्स्ट नंबर का, सेकेंड नंबर यहाँ पे, थर्ड नंबर के वेलप्रो यहाँ है, तो तीन वेलप्रो आपको यहाँ ऊपर की साइड मिल जाएंगे और दो वेलप्रो आपको मिल जाएंगे साइड में। क्या आप नीचे से एडजस्ट कर सकते हो कैसी लग रही है साइड से, और ये थोड़ी स्पोर्टी जैकेट है, और अगर आप टूरिंग फोकस से देखोगे तो वो जैकेट थोड़ी लंबी होती है, वो यहाँ तक होते हैं, उसमें पॉकेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें थोड़े पॉकेट्स कम होते हैं, लेकिन जितने चाहिए उतने होते हैं जितने आपके यूज़ में आएंगे। जैसे दो पॉकेट्स आपको साइड में मिलेगा इस जगह पे, और काफ़ी कंफर्टेबल है अपने आप, नॉर्मल जो भी फ़ोन होते हैं जैसे मेरे पास ये है, तो इसको देखो रखना काफ़ी इजी है, और एक साइड में थोड़ा अपना कैश रख सकता हूँ और राइड पर आराम से जाके इंजॉय कर सकता हूँ। तो देखो मस्त है, आराम से फ़ोन आने के बाद भी ये जैकेट। अब इसको निकालते हैं, इसको साइड करते हैं अपना फ़ोन, और इस जैकेट में ऑल वेदर है क्योंकि हर साइड से पूरा मैश है, आगे से पीछे से पूरा मैश है कि आप इसको किसी भी वेदर में पहन सकते हैं। और अगर आप बारिश में जा रहे हैं तो ऊपर से रेन कवर ले सकते हैं राइनॉक्स का, और थर्मल लाइनर भी आता है ठंडियों के लिए। तो अब बात करते हैं डिफरेंस थोड़ा सा इस जैकेट के साथ भी। तो इसकी ये जो पॉकेट्स हैं सेम हैं जो इसमें दिए गए हैं, सेम पॉकेट्स हैं यहाँ पे, ये भी वाटरप्रूफ है, ये भी वाटरप्रूफ है। बात करें अगर कमी की कॉस्ट कटिंग की, तो इसमें एक कॉस्ट कटिंग की गई है, यहाँ पे देखो इसमें जिप नहीं दी गई है, यहाँ पे एक भी चेन नहीं है, पॉकेट्स एक होती है जो कि पुरानी जैकेट्स में दी गई है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक जिप है, ये देखो यहाँ पे एक वाटरप्रूफ पाउच है फ़ोन के लिए, काफ़ी इजी है, मैं एक बार थोड़ा पास से भी दिखा देता हूँ आपको तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो ये देखिए जैकेट जब अंदर खोलेंगे तो यहाँ पे एक वाटरप्रूफ पाउच है,
ये फोन रखो, चाहे आप कुछ भी अपना कैश या डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ये काफी इजी है अंदर, और इसमें नहीं है, इसमें एक अंदर के साइड भी एक पॉकेट है जो कि इस जैकेट में भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पॉकेट्स यहाँ पे है, तो वेलक्रो इसमें भी लगा है, तो सेम पॉकेट्स का हो गया। इसमें यहाँ पे एक पॉकेट्स का है खाली, और सब कुछ सेम है। और प्रोटेक्शन की बात करें और सेफ्टी की बात करें, दोनों जैकेट की सेम है। और अभी तक का राइनॉक्स का सबसे पॉपुलर जैकेट ये रहा है, और इसका नाम आप देख सकते हो अपने हाथों पे है, स्टॉर्म ईवो। इसका नाम यहाँ पे मेंशन है, अभी तक का सबसे कूल दिखने वाला जैकेट मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इस जैकेट को बहुत पहना है। और आप ज्यादातर देखोगे राइड पे तो सबसे ज्यादा राइनॉक्स में यही जैकेट आपको देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी जैकेट है कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज और, ये जो स्लाइडर्स आप देख रहे हैं ये बड़े ही काम के होते हैं। कभी आपका बाई चांस फॉल होता है, जब भी आप गिरते हो तो जो इम्पैक्ट होता है ये थोड़ा उसको कम करता है, क्योंकि इसके अंदर भी एक शोल्डर के प्रोटेक्शन लगे हुए हैं, ये काफी अच्छा है। तो कैसी लगी आज की वीडियो ये आपको बताना है कमेंट करके, और कैसा लगा सिनेमैटिक, और ये जैकेट अपने ऊपर कैसी लग रही है, और अगर ये जैकेट आप लेते हो तो किस बाइक के लिए लेते हो या किस नई राइड के लिए लेते हो, ये कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज और, अगर आप बनारस से हो, वाराणसी से हो, तो ये जैकेट आपको स्टोर पे आके अगर लेते हो तो कुछ अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अपना सावन के ऊपर, तो आपको इस जैकेट पे भी काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अगर बाहर से हो तो कांटेक्ट करो, नंबर आपका नीचे मिलेगा वीएमसी अड्डा का, उस पर, क्योंकि ऑफर है अभी काफी अच्छा, और शिपमेंट है पूरी की पूरी फ्री। चाहे आप हेलमेट लो, चाहे जैकेट लो, चाहे कुछ भी लो, उसमें आपको मिल जाएगा फ्री फ्री फ्री, मतलब शिपिंग फ्री, और जो भी ऑफर चल रहे हैं साथ में वो भी। और डिटेल अगर आपको देखना है तो राइनॉक्स के साइट पे जाइए, वहां पे डिटेल देखिए, फिर डीलर्स में आएंगे तो अपना नाम मिल जाएगा आपको वाराणसी के अंदर। तो वीएमसी अड्डा से अपनी शॉपिंग कीजिए, और यहां से काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स दीजिए, सावन जो चल रहा है उसके ऊपर है। तो इस वीडियो को ज्यादा नहीं खींचते हैं, इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और बाइक चलाते रहिए पूरी सेफ्टी के साथ। तो राइड हार्ड, राइड सेफ। और हाँ, एक चीज और, सावन स्टार्ट हो गया है लेकिन अपनी राइड की वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि वो आएगी कुछ दिन बाद से चालू होगी। तब तक एंजॉय कीजिए अपनी वीएमसी अड्डा शॉप की वीडियो, और अभी जैकेट्स की भरमार है अपने पास, और कुछ जैकेट तो वीडियो के पहले बिकती जा रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और जैकेट या एक और वीडियो के साथ। बाय बाय। जब ये जैकेट मैंने लिया था तब मैंने पूरा सूट लिया था, तो देख सकते हैं इसकी पैंट भी इसके साथ है इनबिल्ड, तो इसको अभी अपग्रेड करेंगे बहुत जल्द। तो इसको मैं अपग्रेड करने का सोच भी रहा हूँ, किस कलर से करूँ ये आप बताओ कमेंट में। ये जैकेट एक ऑप्शन है, लेकिन सेम हो जाएगी तो कुछ अलग बताइए, या अपनी जैकेट्स की वीडियो देखते रहिए कौन सी जैकेट मैं अपग्रेड करूँ। एक तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था ना 4000 वाली, वो जैकेट मुझे अभी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसका जो मुझे चार्म है अभी तो थोड़ी छोटी भी हो रही है जैकेट, तो मुझे एक अपग्रेड करनी है। तो कमेंट में फटाफट से बताओ इस जैकेट के बदले में कौन सी जैकेट लूँ।